हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि ये जो एसी पैमलेट है, इसमें एसी पैमलेट में हम लोग कैसे एसी पैमलेट बना सकते हैं, उसका एक आइडिया दूंगा। और उसी में कर्टन के लिए हम लोग जो प्रोफाइल लाइट यूज़ करते हैं, वो कैसे उस पर प्रोफाइल लाइट हम लोग लगाते हैं, तो इसको इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने को मिले। सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को, और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एसी का पैम्पलेट कैसे बनाया जाता है और इसमें प्रोफाइल लाइट कैसे लगा सकते हैं। ओके, ये है हमारा एसी पैमलेट, जो कि आप देखते हैं। हमेशा आप लोग का रिक्वायरमेंट रहता है, इंक्वायरी रहता है कि एसी पैमलेट जो होता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप ये एसी पैमलेट देख रहे हैं, ये हम लोग का जो हाइट है, हम लोग का ये आपका एक्चुअली ये हाइट शॉर्ट हो जाता है जब हम लोग सीलिंग करते हैं ना, तो ये हाइट हम लोग का 13-14 इंच ही बचता है, जिसमें एसी लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके वजह से क्या करते हैं कि हम लोग ये एसी पैमलेट हम लोग को करना पड़ता है। ये दिखने में भी अच्छा लगता है, और इसके नीचे में आपको कटन भी आ जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कटन भी आ जाता है। तो इसमें हम लोग जो एसी पैमलेट किए हैं वो कैसे किए हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये वाला वॉल मेरा, ये पिलर है, ठीक है, ये वाला पिलर है हमारा 14 इंच का पिलर है। तो यहाँ से हम लोग का ये रैक हुआ है, तो इस रैक में कटन नहीं आ जाए, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग का ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये गैप हम लोगों ने यहाँ पे 2.5 इंच का गैप दिया हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला गैप में हम लोग का ये पूरा ही, इसमें हम लोग का कटन आएगा ये वाला गैप में। और इसमें जो थिकनेस आप देख रहे हैं, ये थिकनेस आपको यहाँ पे मोटा लग रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये ऊपर तरफ से ये 19mm का, ये 12mm का प्लाई हम लोगों ने दिया है, जो कि आप देख रहे हैं। आप इसको 19mm का भी दे सकते हैं, 12mm का भी दे सकते हैं। और यहाँ पे एक लंबा वर्टिकल दिया हूँ ये, और यहाँ पे दोनों पूरा गैप होता है अंदर में, और वहाँ पे एक लंबा वर्टिकल गैप है। और ये गैप के करने के बाद ये अंदर में हम लोग का पूरा होलो रहता है, लेकिन यहाँ नीचे तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में हम लोगों ने प्लाई मार दिया है, ताकि ये जो वायर है या फिर पाइप वगैरह ना दिखे। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ से मार देते हैं। अगर हम आपको पीछे से दिखाएं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जब देख रहे ना, ये पट्टी, ये हम लोग का हाइट, ये 4 इंच हम लोगों ने ड्रॉप किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लाई मार दिया है, ताकि जब हम लोग यहाँ से देखें तो ये आपको ऊपर ना दिखे, तो अंदर का पूरा पैक हो जाता है। एसी का जो तार वगैरह निकला है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसी का तार वहाँ से पैमलेट होके यहाँ अंदर से हम लोग का निकल जाता है, तो इस जगह से हम लोग का ऐसा पूरा निकला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने अपना प्रोफाइल लाइट का इसमें प्रोफाइल एल्यूमिनियम प्रोफाइल भी लगाया है, जो कि ये 1.5 इंच का हम लोगों ने दिखाया है। इधर से एक हम लोगों ने 19mm मार दिया है, और इसका ये जो ग्रुप है, ग्रुप कटिंग करने के बाद इसमें हम लोगों ने प्रोफाइल लगाया है। तो प्रोफाइल लाइट में यहाँ पे आपको मैं स्ट्रिप लाइट लगा के दिखाऊंगा, और यहाँ से ये वायर हम लोगों ने बाहर करके रखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रिप लाइट के लिए बाहर हुआ है। और यहीं से सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्रुप कटिंग करना पड़ता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ग्रुप कटिंग करने के बाद ये हम लोग का 23mm का प्रोफाइल है, जो कि कटिंग करने के बाद इसको हम लोगों ने यहाँ पे पिन मारा हुआ है, एरर लाइट के साथ में हम लोग पिन भी मारते हैं, ताकि ये हमेशा इसको अच्छे से पकड़ के रखें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये पूरा प्रोफाइल को हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर में पूरा प्रोफाइल लगाया हुआ है। और प्रोफाइल लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक पॉइंट रखा है, जो कि अंदर तरफ से आया है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा डीसी पॉइंट है। मतलब डीसी पॉइंट मतलब क्या है कि इसमें हम लोगों ने एडाप्टर कनेक्शन कर दिया है। एडाप्टर कनेक्शन करने के बाद इसमें हम लोग का एसी का जो करंट है, वहाँ हम लोग का एडाप्टर जो है सीलिंग में हम लोगों ने ऊपर में रखा हुआ है, क्योंकि ये तार यहीं से हम लोग का लाइट के पास से ये पैमलेट के पीछे से निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एडाप्टर यहाँ पे रखे हैं इसका। कभी भी अगर मान लीजिए आपका एडाप्टर खराब होता है, तो इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर में आप अपना एडाप्टर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग का डीसी पॉइंट है, मतलब इसमें एडाप्टर का करंट आ चुका है। तो अभी हम लोग इसको सिर्फ स्ट्रिप लाइट को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें दोनों तार को ज्वाइन करने के बाद इसमें हम लोग अपना एडाप्टर, इसमें जो प्रोफाइल, इसमें जो स्ट्रिप लाइट है, ये इसमें पीछे में स्टिकर होता है जैसे आप लोगों को पता ही है, तो ये प्रोफाइल लाइट में हम लोग अभी इसमें बिठा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग का, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का स्ट्रिप लाइट स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर भी कुछ वायर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका यही एक एडवांटेज होता है कि अंदर में वायर आपका चला गया, और यहाँ से सिर्फ आपका स्ट्रिप लाइट निकला है। स्ट्रिप लाइट यहाँ पे आपका, जैसे जैसे हम लोग स्टिकर इसका खोल रहे हैं, स्टिकर खोलने के बाद इसमें आपको सिर्फ चिपकाना है,
और चिपकाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये जो वायर है ये बाद में हम लोग का घुस जाएगा अंदर में डिफ्यूजर में। और इसका ये प्रोफाइल लाइट से हम लोग ऐसा करके इसको जैसे जैसे स्टिकर खोलना है ये वाला देख रहे हैं ये वाइट यहाँ पे आ रहा है तो ये खोलते खोलते आपको ये यहाँ पे चिपकाना है ऐसे। तो अभी जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं ना नीचे में ये जो प्रोफाइल दिख रहा है तो इसमें हम लोग का लाइट देने के बाद क्या है कि इसका जो कर्टन में जब लाइट का शेडो पड़ेगा जब उसमें लाइट पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो वो अभी मैं आपको इसको ऑन करने के बाद जला के भी दिखा देता हूँ। और इसको जो कटिंग करेंगे वहाँ पे आपका एक मार्किंग होता है ठीक है स्ट्रिप लाइट का कटिंग करने का जो जगह होता है वहाँ पे आपका एक सीजर का दाग होता है तो वहाँ पे आपको कटिंग करना है। इसमें आप देखेंगे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक हमारा देख रहे हैं इस जगह से कटिंग करना होता है जो भी स्ट्रिप लाइट आप कभी भी कटिंग करेंगे तो ऐसे जगह से आपको कटिंग करना है। आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला भी हम इसको ऑन करके आपको दिखाने वाला है तो 1, 2 एंड 3 तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा नीचे से आप जब सामने से देखेंगे ना तो इसका एक लुक ही बहुत ही एक लीनियन लाइन आपको दिखेगा जिसको हम लोग न्यून लाइन बोलते हैं ना लेकिन लीनियन ही मतलब ये लाइन एक आपको यहाँ पे दिखने वाला है जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही क्लासिक लुक लगता है जब ये कर्टन में पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे हम सारा लाइट अभी आपका इधर का लाइट हम ऑफ करके आपको दिखाएंगे और ये जब ये लग जा रहा है नीचे में तो ये पूरा कर्टन में इसका शैडो पड़ेगा तो काफी सुंदर लगने वाला है। तो इसको मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी हम लोग का डिफ्यूजर नहीं लगा है तो इसमें हम लोग का डिफ्यूजर लगेगा। तो ऐसे करके आप आइडिया से आप अपना कर्टन में या फिर एसी पैम्पलेट में आप ऐसा प्रोफाइल लगा सकते हैं। देख रहे हैं प्रोफाइल का जो हम लोग जिसको आप लोग कवर बोलते हैं लेकिन ये डिफ्यूजर है। तो डिफ्यूजर में क्या होता है कि ये जो दाना आप देख रहे हैं ना अगर आप जूम से देखेंगे तो ये दाना आपको दिख रहा है तो ये आपका डिफ्यूजर लगने के बाद ये दाना आपको नहीं दिखता है। तो ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिफ्यूजर लगाते हुए तो ये जो लाइट है ये लाइट बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है इसलिए ये जो स्ट्रिप का जो पॉइंट्स है वो डिफ्यूज हो जाता है तो इसके वजह से ये हम लोग इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। तो प्रोफाइल में हमेशा एक डिफ्यूजर का काम करता है ये आपका जैसे देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि जब लाइट ज्यादा है तो कैमरे के लेंस में वो असर पड़ता है तो ये आप अगर दूर से देखेंगे तो इसका लाइट ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप एसी पैम्पलेट कैसे बना सकते हैं या फिर उसमें लाइट प्रोफाइल लाइट कैसे लगा सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। घर में रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।